हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी की तरफ से आई एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिस निकाला गया है जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आज, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो अपडेट आई है, ये आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर कंसिडरेशन जोन फॉर वेरियस पोस्ट प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री डेट्स देर ऑफ। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और अपडेट जहाँ पे जेके एसएसबी की तरफ से निकाल दी गई है, इसके अकॉर्डिंगली जहाँ पे जितने भी कंसिडरेशन जोन में कैंडिडेट्स आते हैं वेरियस पोस्ट के लिए, उनके लिए एक सप्लीमेंट्री जो डेट है वो दोबारा से निकाली गई है। बताना चाहूँगा मैं आपको, जहाँ पे ऑल सच कैंडिडेट जिन्होंने जो फॉल कर रहे थे अंडर कंसिडरेशन जोन में और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेके एसएसबी ने बुलाया था, और बात करेंगे जहाँ पे पोस्ट की, पोस्ट आपकी असिस्टेंट कंपाइलर की फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद डिवीजनल कैडर जम्मू कश्मीर की पोस्टें थी आपकी केयर टेकर की, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पोस्टें थी आपकी यूटी कैडर की, आईटो नंबर आप देख सकते हैं 15, 16 and 71। उसके साथ साथ जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ जहाँ पे इन परस्यूएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 of 2020, जहाँ पे यूनियन लैब असिस्टेंट स्किल डेवलपमेंट की डिविजनल कैडर बी की कीपर फील्ड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, इक्विवेलेंट बी कीपर फार्म सुपरवाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, जहाँ पे वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स की पोस्टें थी, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें थी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट की बात करें तो 7 of 2020 की बात, ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल यूटी कैडर। उसके बाद जहाँ पे बताना चाहूँगा आपको आईटी नंबर आपका 133। इसके साथ साथ ये नोटिफिकेशन नंबर 5 of 2020 की बात करें तो यूनियन असिस्टेंट की थी। उसके साथ कैडरेक्स क्लर्क कैशियर जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर काम जूनियर असिस्टेंट स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर यूटी कैडर की पोस्टें थी, एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडवर्टीजमेंट बाय नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6 and 7 of 2020 और 1st से लेकर 3rd of 2021। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है जो जेके एसएसबी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, ये सारी की सारी मैं आपको जहाँ पर बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको पोस्ट के बारे में भी जहाँ पर बता रहा हूँ। इसके साथ जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जेके एसएसबी की तरफ से निकाला गया है ये सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है व्हाट कुड नॉट अपीयर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी एंड शेड्यूल डेट ड्यू टू वेरियस रीजन। जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर वो कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, किसी कारणवश से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो जेके एसएसबी ने लास्ट में एक फाइनल नोटिस निकालते हुए आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है। पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आईटो नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे जेके एसएसबी ने जहाँ पे गिवन दी है लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए जेके एसएसबी की तरफ से डेट्स निकाली गई हैं 17, 18 and 19 of May 2022। जितनी भी पोस्ट हैं इन तीन डेट्स में इसको क्लियर कवर किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी रहेगी सेंट्रल ऑफिस ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हिमा कम्प्लेक्स, ये आपका जम्मू का एड्रेस है, जम्मू में जो आप देख सकते हैं जम्मू वाले कैंडिडेट, और डिविजनल ऑफिस जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जहाँ पे 117 इब्राहिम कॉलोनी लेन हैदरपुर श्रीनगर कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट के लिए 10:30 AM शार्प फॉलिंग विच नो क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन एट एनी स्टेज। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कारणवश किसी भी रीजन से जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँच पाए थे, जेके एसएसबी की तरफ से एक फाइनल नोटिस निकाला गया है। इन फाइनल नोटिस में जेके एसएसबी की तरफ से तीन डेट सेलेक्ट की गई हैं 17 से लेकर 19 मई, और आपके पास टाइम है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको वहाँ पर नहीं जाना है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी, रह गई थी, अब उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेके एसएसबी ने बुलाया है, और ये डेट्स निकाली गई हैं, डेट्स आप देख सकते हैं 10:30 का शॉर्ट टाइम रहेगा, इन तीन डेज़ के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं जेके एसएसबी की तरफ से अपडेट निकाली गई है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, एक फाइनल एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी जेके एसएसबी की तरफ से दी गई है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।